ये ब्रजेश ठाकुर का बालिका गृह है जिसमें केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक से फंड आता था ताकि बेसहारों को सहारा मिल सके, लेकिन एक छत के सहारे के बदले यहाँ बचपन को रौंद दिया जाता था। दवा देकर किया जाता था गलत काम। अंकल शरीर पर गर्म तेल फेंकते थे। बालिका गृह में अंकल की गुलाम थी बच्चियां। टॉर्चर रूम में बच्चियों से बलात्कार। बालिका गृह का घिनौना सच। मुजफ्फरपुर के इस बालिका गृह के गेट में घुसते ही ये बैनर लगा है जिसमें लिखा है, फेंके नहीं हमें दे। लोगों ने यकीन कर अपनी बच्चियां इन्हें दे भी दी, मगर किसी को कहां पता था कि वो अपनी बच्चियों को जहन्नुम में भेज रहे हैं, जहां जिस्म के साथ साथ उनकी रूह का भी सौदा किया जा रहा है। बालिका गृह से छुड़ाई गई बच्चियों के साथ जो हुआ उसकी दास्तान बेहद दर्दनाक है। हमारे साथ बालिका गृह में रहने वाली किरण आंटी ने गलत काम किया और करवाया। बात नहीं मानने पर बच्चियों के साथ मारपीट की जाती थी। किरण आंटी बड़ी बच्चियों के साथ आपत्तिजनक हालत में सोया करती और रात को दूसरे कमरे में ले जाकर जोर जबरदस्ती करती थी। इसी तरह एक दूसरी लड़की ने कहा, खाना मांगने पर चंदा आंटी पीठ पर गर्म पानी डाल देती और गर्म छलनी से मारती थी। एक और लड़की के मुताबिक, बालिका गृह में आने वाले CWC के विकास सर ने मेरे साथ जबरदस्ती की। ब्रजेश सर ने भी मेरे साथ और अन्य लड़कियों के साथ गलत काम किया और विरोध करने पर मारपीट की। सुपरविजन रिपोर्ट में दर्ज कुछ लड़कियों के बयान तो इतने दहलाने वाले हैं कि उन्हें यहाँ हूबहू बताया भी नहीं जा सकता। हमें रात में खाने में नींद की गोली मिलाकर दी जाती थी। बाद में बेहोशी की हालत में ब्रजेश सर के कमरे में भेज दिया जाता था। वहाँ कुछ और लोग भी आते थे। सुबह जब नींद खुलती हमारे कपड़े बेतरतीब होते। कुछ लड़कियों ने यौन शोषण का विरोध करने पर ब्रजेश ठाकुर के उन्हें छत पर ले जाकर पीटने की बात कही है। साथ ही एक बड़े पेट वाले यानी मोटे शख्स का जिक्र करते हुए कहा है कि उसने भी लड़कियों के साथ बहुत ज्यादती की। लड़कियों के मुताबिक उनके साथ होम में काम करने वाले लोगों, महिलाओं और यहां तक कि बाहर से आने वाले लोगों का छेड़छाड़ करना तो रोज की बात थी, लेकिन कभी कभी जुल्म और ज्यादती की सारी हदें खत्म हो जाती थी। बच्चियों के मुताबिक कपड़े उतार कर उन्हें पीटा जाता था, शरीर पर गर्म तेल और गर्म पानी फेंका जाता था। ब्रजेश सर के अलावा अंकल लोग गलत काम करते थे। रात में खाने में दवा मिलाकर बेहोश करके होता था बलात्कार। बालिका गृह के कर्मचारी भी इस घिनौनी हरकत में शामिल थे। बालिका गृह से भागने की कोशिश करने पर किया जाता था प्रताड़ित। सरकारी नियमों के मुताबिक हर महीने जुडिशियल अफसरों की टीम इस बालिका गृह का दौरा करती थी, मगर लंबे वक्त से यहां घिनौनी हरकत होने के बावजूद उनकी रिपोर्टों में ये सच कभी सामने नहीं आ पाया, और जब आया तब भी इसे महीनों तक दबा कर रखने की कोशिश की गई।